my channel, subscribe bell icon, press like and share. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज हम फिर नई अपडेट के सामने साथ में आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। और अगर आप कुवैत में रहते हैं या किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लगभग 5-6 खबरें हैं जो क्या आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इसमें जो है सारी खबर मैं आपको कवर करने वाला हूँ। जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे, अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा कुवैत के बारे में जानकारी रख सकें। और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से किसी भी भाई बंधु की हेल्प हो सके और वो इन चीज़ों को जान सके और कुवैत में रह रहे हो तो इन चीज़ों पर अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहली जो खबर आपको हम बताने वाले हैं वो ये है, पासपोर्ट से रिलेटेड है। अगर आप कुवैत में रहते हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, या आपका पासपोर्ट कहीं गिर गया है, या कुछ भी हो गया है, आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट हो गई है पूरी, और इस दौरान आपको परेशानी ज़्यादा आ सकती है, तो आपको ये करना होगा, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया कंपनी में है तो कंपनी वालों से बोल के आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लेना है। अदरवाइज आप किसी विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी तरह के वीज़ा पर हैं तो आप जो है एम्बेसी में जाएँ और वहाँ पर जाने के बाद में अपडेट करें। और अगर आपका पासपोर्ट कहीं पे गिर गया है या कुछ भी हो गया है, आपका पासपोर्ट आपके पास में नहीं है, तो आपको थाने में जाना है। थाने में जाके वहाँ पे जो है रिपोर्ट लिखवानी है और वहाँ से अपना पेपर लेना है, फिर अपना उस पेपर को ऑनलाइन करा देना है। क्योंकि अगर ये काम आप नहीं कराएंगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं और उसमें आपको जुर्माना भी काफ़ी अच्छा पड़ जाएगा अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है, आपको अपडेट करना ज़रूरी है कि भाई आपका पासपोर्ट कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है। जब आप आएंगे, आने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और दूसरी जो बात करते हैं, दूसरी जो अपडेट है वो भी कुवैत से है। और फरवनिया इलाके में जो है कुवैत में 27 दुकानों को बंद किया गया है, और ये म्यूनसिपाली ने की हैं बंद, और ये इसलिए किए हैं जो कोरोना वायरस चल रहा है वो उसके खिलाफ जो थी अपनी सेल कर रहे थे और उसका पालन बिल्कुल नहीं कर रहे थे, जो गवर्नमेंट बोल रही है उसके खिलाफ चल रहे थे, तो पूरी तरह से 27 दुकानों को बंद कराया गया है। तो ये एक काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि जहाँ पर लोग रहते होंगे अगर वहाँ की दुकानें बंद हो रही तो उनको हो सकता है पूरी सुविधा नहीं मिल रही हो। तीसरी जो अपडेट है वो ये है, फिलिपिनी अभी तक जो है वो 306 आज की डेट में जा चुके हैं, 306 लोग जो है फिलिपिन निकल चुके हैं, जो इनलीगल तरीके से रह रहे थे वो अपने देश जा चुके हैं 306 लोग। और काफ़ी लोग अभी चले भी गए थे पहले और काफ़ी लोग अभी भी प्रेजेंट हैं वहाँ पे। तो जैसे ही आगे का प्रोसेस चलता रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपने इंडिया वाले भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें किस डेट को जाना है, तो उसका वीडियो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप वीडियो देख लीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको किस डेट में जाना है और कहाँ पे जाना है। पूरा एड्रेस के साथ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और उसके बाद में जो अपडेट वो ये है, इंडियन एम्बेसी को लेकर, जो कुवैत के अंदर इंडियन एम्बेसी है वो 12 अप्रैल को पूरी तरह क्लोज़ हो जाएगी, उसके बाद में नहीं खुलेगी। और 12 अप्रैल से पहले पहले अगर आपको कोई भी काम कराना है तो वो काम करा लीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फिर इंडियन एम्बेसी नहीं खुलेगी, फिर तभी खुलेगी जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अगर किसी को इमरजेंसी पड़ता है, किसी को अपना काम कराना है, तो उसके लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर जारी किया है अपना, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ एम्बेसी वालों का, पहले आपको कुवैत का कोड लगाना है, फिर 6697 और 6128, ये नंबर है कुवैत एम्बेसी का, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी कोई भी चीज़ आती है। और बाकी बात करते हैं, ये सारी जो मैंने अपडेट आपको दी है अगर आपके लायक है तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और आपका पासपोर्ट, सबसे मेन चीज़ है पासपोर्ट अगर आपके पास में है
तो देख लीजिए, एक्सपायर तो नहीं हुआ है। अगर पासपोर्ट नहीं है आपके पास में, खो गया है, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाकर रिपोर्ट कराइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमारे साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।